हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। CSEMRU रिजल्ट 2022 अभी अभी यहां पर 100% सभी छात्रों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल अभी अभी रिजल्ट जारी हुआ है। इन सभी छात्रों का रिजल्ट जारी हो चुका है। यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर देख सकते हैं BA BSc BCom के लिए बहुत महत्वपूर्ण सोचना है। तो सीधा चलते हैं हम रिजल्ट के ऑप्शन पर, वहीं पर आपको दिखाते हैं कि कौन से कोर्सेज के छात्रों का रिजल्ट यहां पर कानपुर यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो यहां पर आप आएंगे वेबसाइट पर, कैसे रिजल्ट चेक करना है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लेना 2021-22 को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद UG को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। UG सेलेक्ट होगा, उसके बाद रेगुलर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट के टाइप में जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BCom ऑनर्स का पहले रिजल्ट आया था, लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है वो BCom के छात्रों का रिजल्ट आ गया है। तो काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे थे कि BA BSc BCom का रिजल्ट कब आएगा व्हाट्सएप। तो यहाँ पर BCom का सबसे पहले रिजल्ट आता है, उसके बाद BA BSc के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि BCom का रिजल्ट आने के बाद अब बारी है BA BSc का रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि BCom के बाद BA BSc का रिजल्ट आता है। तो फाइनली BCom का रिजल्ट आ चुका है। तो सिंपली आप BCom वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके बाद रोल नंबर डाल के अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करके सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपना रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2021-22 सेलेक्ट करना, UG सेलेक्ट करना, रेगुलर सेलेक्ट करना, कोर्स का नाम आपको चूज़ करना, रोल नंबर यहां पर सेमेस्टर डालना, रोल नंबर डाल के सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना रिजल्ट को देख पाएंगे। तो जल्दी ही मेरा वीडियो आएगा कि BCom का जो रिजल्ट है कैसे आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।